एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर होते हुए भी जब आपके पास अनोखा हुनर हो और तुमने कहा रास्ता साफ है, मैंने कहा आगे का रास्ता साफ है। आगे पीछे सही गलत, सही गलत। खैर छोड़ो, अब चलें। मेरे पास और एक मिशन है। अब किसकी बारी है? ग्रेग सिमंस, वही बिलियनर आर्म्स डीलर। ओह, इतने सारे लोग और ऐसी खामोशी। इस मछली को पकड़ने के लिए नॉर्मल सा चारा काफी नहीं। क्या मतलब? और वो कैसे? डैनी फ्रांचेस्को, वो फिल्म स्टार, ग्रेग सिमंस का फेवरेट एक्टर। और उससे हमारा क्या लेना देना? ब्लैकमेल। प्लान तो अच्छा है, बहुत खूब, आगे बढ़ो। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा रोल मिलने वाला है। वैसे तुम कौन हो? तुम्हारा नया मैनेजर। तुम्हारी भाभी और तुम्हारे बीच का रिश्ता कुछ ज्यादा ही गहरा है। मैं अपनी भाभी से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ डैनी, वो तो दिखाई दे रहा था। घबराने की कोई बात नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं? हाँ, सिर्फ खूनी ही तो है। तुम एक एक्टर हो ना? एक्ट। कोई मुझे थप्पड़ मार सकता है क्या? ये डैनी फ्रांचेस्को है ना, अगली फिल्म के बारे में बताओ। एक मिस्टीरियस सेल्फ मेड बिलियनर का रोल है। जैसे बिल्कुल मैं हूँ। मेरे साथ रहो, जो जो मैं कर रहा हूँ वही तुम भी करो। ग्रेग के फोन तक का रास्ता बनाओ और पता लगाओ इस हैंडल का खरीदार कौन है। वो यूक्रेनियंस। मैं यूक्रेनियंस में घुस सकता हूँ। पहले उन्हें एक डिनर डेट पर ले जाना, फिर तुम घुस लेना सेक्सुअली। हुआ क्या? उसने आपको पहचान लिया। ऑर्सन फॉर्च्यून, ये हुआ ना सेक्सी नाम। पकड़े गए तो अब मैं क्या करूं? उस एक्टर की एक्टिंग निकाल देंगे। डैनी फ्रांचेस्को को रोको। ओ शादा, बचना मुश्किल होगा। उसे तुम मुझ पर छोड़ दो। इससे तुम क्या करोगी? उन पर गोली चलाने वाली हूँ डैनी। तो तुम्हें किसी ने नहीं देखा? हाँ। क्या वाकई में तुम्हें किसी ने नहीं देखा? हाँ। या फिर तुम्हें किसी ने तो देखा? हाँ।